हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछले वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे आपके लिए डाली थी, जॉब वर्सेज बिजनेस क्या ठीक रहेगा आपके लिए, तो कई सारे बच्चों ने एक डाउट पूछा, एक सवाल पूछा मुझसे हमेशा डाउट सेशन के टाइम पे कि सर मैं CA कर रहा हूँ या फिर CMA कर रहा हूँ या फिर CS कर रहा हूँ या फिर MBA कर रहा हूँ या BCom कर रहा हूँ या फिर मैं अभी 11th 12th क्लास में हूँ बट आगे बिजनेस करना चाहता हूँ। मैक्सिमम बच्चों का एक कॉमन सवाल कि सर बिजनेस करने के लिए किसी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है क्या। ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं CA CMA CS या MBA या बाकी डिग्रीज के लिए, सर क्यों करें जब ना तो हमें किसी जॉब में जाना है, ना किसी को अपना सर्टिफिकेट दिखाना है, ना हमें किसी से जॉब मांगना है, तो सर आखिर डिग्री क्यों। बिजनेस करना ना सर, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और मैं एक अच्छा ब्रांड बनाऊंगा, फिर डिग्री आखिर क्यों सर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। अगर डिग्री आपके पास होती है ना, अगर आपके पास एक बेस होता है कि कल को बिजनेस मेरा अगर मान लो नहीं चला, आपके दिमाग में एक सवाल यहां पे आ जाएगा कि सर क्यों नहीं चलेगा, दिन रात मेहनत करूंगा, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि सामने वाला मतलब वो सोच भी नहीं सकता और मैं सर बिजनेस ब्रांड बना लूंगा। आप बहुत अच्छा सोच रखते हो, लेकिन जमीन पे रह के बात करो, ये सोचने से ही अगर बिजनेस आपका आगे बढ़ जाता मेरे बच्चे, तो हमारे देश में कोई भी इंप्लॉय नहीं बनता, सभी इंप्लॉयर ही बनते। इसलिए जमीन पे रह के बात कीजिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है, डिग्री की रिक्वायरमेंट है और बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है, बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे। अब सोचो ना, दो लोगों को मैं आपके सामने रखता हूं, एक आदमी जो कि 11वीं 12वीं पास किया या फिर वो भी फेल किया या फिर उसने पढ़ाई नहीं किया और कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, और उसने क्या किया जी, बिजनेस करने के लिए उसने जितने सारे पैसे घर के थे उनको लगा दिया, बहुत मेहनत किया, नो डाउट कि उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी, बिजनेस मांगता है उसने किया, प्रोडक्ट भी उसका बहुत अच्छा था जो उसने सिलेक्ट किया था और मेहनत किया, बट बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाया, सक्सेस उसको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, बहुत रीजंस होते हैं। एक तो पहले आप समझो कि अगर कोई आज के टाइम की बात करो मेरे बच्चे, आप अजीम प्रेम जी के बेटे नहीं हो, आप रतन टाटा के बेटे नहीं हो, आप मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बेटे नहीं हो, तो आप ना उनके तो आप दिमाग में परसेप्शन लेके बात ही नहीं करो, आप जमीन पे रह के बात करो। आप अपनी पीढ़ी को चेंज करने वाले हो। आज तक जिसने सिर्फ यही देखा कि इंप्लॉई किस तरीके से काम करता है, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने या उनके पहले के लोगों ने क्या देखा जी कि इंप्लॉई किस तरीके से काम करता है, वो एक इंप्लॉई के रूप में काम किया, आप इंप्लॉयर बनना चाहते हो, तो ये इंप्लॉयर बनने के लिए जो चीजें होती है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सिर्फ सोचने से और जोश से या पैसा लगाने से सिर्फ नहीं आती है, आपको नॉलेज चाहिए, आपको मैनेजमेंट करना मेरे बच्चे, आपके आपके पास जबरदस्त स्किल चाहिए, फाइनेंस को मैनेज करना है, मार्केटिंग को मैनेज करना है, आपको प्रोडक्शन को मैनेज करना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स क्या नहीं मैनेज करना है, आपको नॉलेज चाहिए। ये नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्री ही दिलाएगा। ये जो आप डिग्री स्टडी कर रहे हो, इसमें जो चीजें आप स्टडी कर रहे हो, अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे ने स्टडी किया और उसको दिमाग में बैठाया, तभी उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करेगा। ये आदमी जिसने पढ़ाई नहीं किया मेरे बच्चे, ये अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद, पैसे लगाने के बावजूद, ये मार्केट में सक्सीड कर पाएगा चांसेस कम है। और मैं आपको कैसे बताऊं, आज के इस मैं अपने लाइफ में मेरे बच्चे कई लोगों को देख चुका हूं जिसने बहुत 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 मेहनत करके, जिनके मम्मी पापा ने खासकर एक बिजनेस उनको दिया था, वो बच्चा उस बिजनेस को भी नहीं चला पाया, उसको भी जीरो कर दिया। और जरा इमेजिन करो कि बिजनेस जो अगर वो जीरो हो गया जिसने पढ़ाई नहीं किया है, तो अब क्या, बिजनेस भी खत्म हो गया, सारे पैसे भी खत्म हो गए, अब आपके हाथ में क्या है, अब तो आप जॉब भी नहीं पा सकते क्योंकि आपके पास उतनी कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप। अल्टीमेटली हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि भैया आत्महत्या कर ले, यही तो होगा, और दूसरा क्या होगा, क्योंकि जब आपकी जिंदगी खत्म हो गई, सारे पैसे खत्म कर लिए, तो फिर बचा क्या, कैसे करोगे, कोई डिग्री भी तो आपके पास नहीं है। रिस्क मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को आपने ला दिया अगर आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की तो।
वहीं पे एक दूसरे बच्चे की बात करो जिसने प्रॉपर स्टडी करके, आपकी बात कर रहा हूं, जिसने अपने डिग्री कंप्लीट की, सारे नॉलेज गेन किए, मैनेजमेंट क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया, समझा, उसके बाद बिजनेस के अंदर में एंट्री किया। इनकी बात करता हूं, ये इन्होंने भी क्या किया, बहुत अच्छा आपका मेहनत किया, बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट था, बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू किया, लेकिन इनके पास भी मान लो बिजनेस फ्लॉप कर गया, इनका भी बिजनेस, एक बात कर रहा हूं समझना मेरी बात को, मैं दोनों में फर्क बता रहा हूं, इनका बिजनेस भी क्या वो फ्लॉप हो गया, लेकिन जो टेंशन इनको थी ना वो टेंशन इनके पास नहीं है। अगर आपके पास कोई एक प्रोफेशनल डिग्री है, अगर आप एक मान लो डिग्री अपने आप को होल्ड रखते हो और कल को बिजनेस फ्लॉप भी करता है मेरे बच्चे, तो भी आप रोड पे नहीं जाओगे, आप कम से कम इतना सिक्योर रहोगे कि आप फ्यूचर में अगर मान लो बिजनेस फ्लॉप करता है तभी किसी कंपनी में जाके जॉब करके अपनी फैमिली को और अपने आप को ठीक से चला लोगे। और हाँ, वो बिजनेस जो फ्लॉप हुआ था उसके अंदर में क्या कमी थी, उस कमी को पता करके दोबारा रिवाइव करने के चांसेस आपके पास यहाँ पे हैं, क्योंकि आपने जो काम करना दोबारा शुरू किया, पैसा अर्न किया, फिर से सपने देख सकते हो। ये आदमी दोबारा सपना नहीं देख सकता, इसके पास तो कुछ अब बचा ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जमीन पे रह कर ही सोचा जाता है, ये बिजनेस करना, ये सोचना कि हाँ भैया मैं बिजनेस करूंगा और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा को मैं पीछे कर दूंगा, सोचना ठीक है बट करना कितना प्रैक्टिकली मुश्किल है आपको नहीं पता, वो बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं। और वहां पे आने के लिए आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा, काफी रिस्क बियर करना पड़ेगा। आपके पास 10 रुपए आएंगे, 10 को 100 रुपए बनाने के लिए और रिस्क बियर करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है अगर आपका फैमिली जो है ना, आपका जो बेसिक नीड है वो हमेशा सेटिस्फाइड होगा, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो। और जो आपकी बेसिक नीड है आपकी और आपकी फैमिली की, वो हमेशा सेटिस्फाइड होगा, ये तभी आप इंश्योर कर सकते हो अगर डिग्री आपके पास है। वो जमाना नहीं है मेरे बच्चे, हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा का कि कोई बात नहीं जी, पैसा लगा दिया, मेहनत किया, बिजनेस चल गया। आज वो नहीं होने वाला है, कट थ्रो कंपटीशन है, हर एक सेगमेंट के अंदर में हजारों लोग हैं, उन हजारों लोगों में भी आगे निकलना वो बिजनेस होगा, उसको बिजनेस कहते हैं। अगर आपके दिमाग में बिजनेस का मतलब कोई दुकान खोल देना या फिर आपका, वो बिजनेस नहीं है मेरे बच्चे। दुकान खोलना, एक जगह पे बैठ जाना और कस्टमर आएगा, मैं सामान बेचूंगा, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस उसको बोलते हैं कि कस्टमर को मैं कैसे अपने पास बुलाऊं या कस्टमर के पास मैं कैसे पहुंचूं। और ये काम करना आज के टाइम पे इतना आसान नहीं है, डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट जगह पे पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, डिफरेंट जगह पे मार्केटिंग को मैनेज करना पड़ेगा। कौन सा ऐसा आइडिया होगा जो कि स्ट्राइक करेगा हमारे किस आपके पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सारी बातें आप तभी समझ सकते हो आज के टाइम पे अगर आपके पास नॉलेज है। और अगर सचमुच में एक बड़े ब्रांड से आपको कम्पीट करना है ना, एक बड़े ब्रांड से कम्पीट करना है, तो उनका तोड़ निकालना पड़ेगा, और तोड़ आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई देगी। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अगर आपको आपके डिग्री के टाइम पे अगर ये सोच आता है कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, उस सोच को वहीं पे रोक देना, क्योंकि अगर आज पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप डिग्री आज लेते हो, तो ये डिग्री भी अगर आपका बिजनेस करना टारगेट है तो वहां आपके उसके लिए पहला स्टेप है, जहां पे रिस्क बिजनेस को छोड़ के बाकी सबको अवॉइड करना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे चीज को सवाल, जो निगेटिव चीजें हैं उनको दिमाग में नहीं लाएंगे, आपका हमेशा दिमाग पॉजिटिव वे में काम करेगा। और आप समझ लेना कि जिस डिग्री के तरफ आप बढ़ रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो आप, वो भी आज के टाइम पे वो पहला स्टेप है जिसको चाहिए हमें अपने डिग्री को, अपने जो एम्बिशन है, अपना जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए। मेरे बच्चों, मैं आगे आने वाले सीरीज में आपसे अब सारी बातें करना स्टार्ट करूंगा, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम कैसे सोचते हैं, क्या बेस्ट हमारे लिए होगा, इन सारी बातों को मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अभी उसको अप्लाई नहीं करेंगे। मैं 100% नहीं हूं, मैं पहले बता दूं, जो चीजें मैंने अपने लाइफ में सीखा बस वही आपसे शेयर कर सकता हूं, बुकिश नॉलेज से हटकर। और ये बातें जो आपको बताऊंगा ना, इन बातों को आप क्या करेंगे, दिमाग के किसी कोने में बैठाएंगे बस नॉलेज के लिए, क्योंकि ये भी वो नॉलेज हो सकता है, इसका 1% 0.5% आपको जब बिजनेस करने जाओगे तो वहां पे आपको हेल्प करें।
इसलिए मेरे बच्चों आज की बात इतनी रखते हैं, मुझे विश्वास है मेरी बात समझेंगे और मेरे किसी भी कंटेंट को, किसी भी वीडियो को आप अपने लाइफ में निगेटिव वे में लेकर नहीं जाएंगे, आप हमेशा उसको पॉजिटिवली ही अपने सेगमेंट में, अपने सक्सेस में कहीं ना कहीं उसको ऐड करेंगे। आप सबको बाय बाय टाटा, मिलूंगा अगली बार। और हाँ, मैं हर एक सैटरडे को कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक सेगमेंट, एक कंटेंट आपको इस बिजनेस के ऊपर में, आपके सक्सेस के ऊपर में मैं लेकर आऊं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे, मैंने प्रण किया हुआ है। आप सबको बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।